दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वेरी गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. आपको काफी मदद मिल जाएगी अपनी ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करने में और अपने लिए सही स्टॉक चुनने में. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि हम निफ्टी का एनालिसिस करें, मैं आपको एक चीज बता दूं. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा. क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता किसी रीजन से, तो वहां पे मैं लेवल्स अपलोड करता हूं. और मॉर्निंग में दो लेवल्स तो मैं वहां रोज अपलोड करता ही करता हूं. तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा. आज के लेवल्स का क्या रिव्यू रहा वो भी हम आपको बता देंगे. सबसे पहले निफ्टी देखें तो निफ्टी आज जो है पॉजिटिव रहा है. निफ्टी जो है टोटल आपको 93 पॉइंट्स अप मिला है, यानी कि परसेंट में बात करें तो 0.61% का अप देखने गया है निफ्टी को. तो ये काफी अच्छा है मार्केट के हिसाब से. तो अब हम कल का क्या अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं. कल अगर मार्केट देखें तो यहाँ पे इसने बहुत बार अप एंड डाउन फ्लैट मार्केट की तरह पे इसने चलाया, मतलब ज्यादा ना अप्स दिखाए ना डाउन दिखाए. इसने खाली दो कैंडल अप तो तीन कैंडल डाउन, फिर एक कैंडल अप, एक कैंडल डाउन, एक कैंडल अप. तो इसी जो फॉर्मेशन में है, ये वेव की फॉर्मेशन में चला है. कल के लिए मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, अगर ये लेवल जो है ये बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होके ये लेवल तोड़ देता है 15,200 का, तो बेसिक जो हमारा पूरा मार्केट है वो बियरिश हो जाएगा. ठीक है, वैसे भी जो है काफी स्टॉक बियरिश ही चल रहे हैं, बट मार्केट जो हमारा बियरिश हो जाएगा. उसके बाद देखिए, हो सकता है यहाँ पे इसे डाउन करने के बाद जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला हमें रिवर्सल, वो भी देखने को मिल सकता है, और या फिर और भी ज्यादा डाउन कर सकता है. इस दौर बन रही है कि ये फ्लैट मार्केट पे चले, जैसा कि ये चल रहा है हल्का हल्का न्यूट्रल बुलिश रहे. न्यूट्रल बुलिश यानी कि बढ़े तो वेव की फॉर्म में हल्का हल्का करके, जैसे कि आज बढ़ा वैसे बढ़े हल्का हल्का करके ऊपर बढ़े. तो ये दो कंडीशंस है जो निफ्टी में मोस्ट प्रोबेबली दिख रही है. अब देखते हैं कल निफ्टी मार्केट खुलने पे क्या होता है. तो चलिए बात करेंगे SBI कार्ड की. सबसे पहले हमने आपको इसको शॉर्ट सेल करने के लिए बोला था. अगर ये लेवल आपको आज नहीं मिल पाया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जुड़ जाएगा. SBI कार्ड देखिए, ये लाइन बन रही है हमारी 1035 पे, हमने इसे शॉर्ट करने के लिए बोला था अराउंड समथिंग 1034 या 1035 पे. इसके इस लेवल के नीचे आपको शॉर्ट करके चलना था. इसने अपना लो बनाया है 1017 का, 1015, यानी कि दो पॉइंट से रह गया हमारा तीसरा टारगेट प्राइस. दो बार इसमें लेवल आपको ब्रेक होने के मिले, यहाँ एरो आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी ये लेवल ब्रेकआउट हुआ, अगेन यहाँ पे भी लेवल ब्रेकआउट हुआ. तो अच्छा खासा लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिला. अगेन अगर बात करें हेवल्स की, हेवल्स में हमें अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाया आज. आज ये जो स्टॉक था ये फ्लैट मार्केट पे चला. अगर मैं प्रीवियस क्लोज से इसकी बात करूं, एक बार ये खाली हल्का सा ऊपर गया था, इसने हमारा एक ही टारगेट प्राइस शिफ्ट किया. अगर आपने टारगेट शिफ्ट कर दिया होगा, यानी कि अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया होगा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे, तो आपका इजीली एक ही टारगेट प्राइस मिल पाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं. उसके बाद ये फ्लैट मार्केट पे चला. प्रीवियस क्लोज से बात करूं, अगर मैं 1000 को लूं एक लाइन में, तो 1000 से ये अप गया 1004 और डाउन गया 996 का. बटरफ्लाई की मैं बात करूं, बटरफ्लाई स्टॉक आज काफी अच्छा रिटर्न देके गया हमें 32 पे हमें से बाय करके चलना था, और इसने अपना हाई बनाया 878 का. बाकी अगर मैं बात करूं अपने जो मैंने लेवल्स प्रोवाइड किए थे व्हाट्सएप पे, उनकी हम एक बार देख लेंगे. सबसे पहला स्टॉक था हमारा जेके लक्ष्मी. स्टॉक गैप डाउन ओपन होने के कारण मैंने इसका लेवल एकदम से चेंज कर दिया था. अब गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने के आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी. जितना हो सके मैं स्टॉक्स के लेवल है, मैं हर किसी के लेवल चेंज नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम लगता है, बट जितना हो सके मैं लेवल चेंज करने की कोशिश करता हूं. तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे तो 9 बजे के टाइम पे एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा. जो मैंने लेवल दिया है उसमें कुछ करेक्शंस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गैप. तो ये गैप डाउन ओपन हुआ था, इसलिए हमने इसका लेवल चेंज कर दिया था 34 पे. इसके प्रीवियस क्लोज से भी नीचे हमने बाय करने का लेवल था 34 पे. इसका हाई बनाया है 555 का. स्टील की मैं बात करूँ, इसने भी खास अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, पर अच्छा कह सकते हैं इसको. हमारे जो थे लगभग दो टारगेट प्राइस शॉर्ट सेलिंग की साइड अप चाहिए वो गए थे गैप डाउन ओपन होने के बाद भी मैंने, क्योंकि इसका लेवल चेंज कर दिया था. इसकी देखेंगे, चोला फाइनेंस में खास रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला. इसे हमने 48 पे सेल करना था और इसने अपना लो बनाया है 42 का, तो यानी 6 पॉइंट का इसमें डाउन देखने को मिला. कैडिलैक की हम बात करेंगे, कैडिलैक हमने आपको बाय करने के लिए बोला था 25 पे, इसने अपना हाई बनाया 32 का. तो इसमें दो टारगेट प्राइस तो हमारे लगभग अचीव हो गए थे. आखिरी स्टॉक था हमारा कम्युनिस्ट इंडिया, इसको हमने बाय करके चलना था 818 पे. 818 से इसने अपना हाई बनाया 832 का, अच्छा खासा रिटर्न इसमें भी देखने को मिला. और जो उसने अपना लो बनाया वो रहा है 706 पे, हमें शॉर्ट सेल करके चलना था. यानी कि 806 से नीचे आप शॉर्ट सेल करके चलते 706 का, 10 पॉइंट्स इसमें शॉर्ट सेलिंग साइड में मिल गए थे और 10 पॉइंट से ज्यादा ही इसमें आपको बाय साइड मिल गए थे. तो ये कुछ स्टॉक्स थे, ये मिड कैप के स्टॉक्स में रोज प्रोवाइड करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे. तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं ऐसे प्रॉफिटेबल स्टॉक्स पाना. 27 मई 2021 के लिए कुछ स्टॉक्स के लेवल हमने आपके लिए सेलेक्ट किया, ये देखते हैं वो.
तो देखिए सबसे पहले हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है अडानी टोटल गैस। देखिए इसमें दो लेवल्स आपके दिख रहे हैं, वैसे जो इसका पैटर्न दिख रहा है इसमें सेलर्स लास्ट में जो है सेलर्स एक्टिव दिखे हल्का सा आपको, लास्ट के जो थे एक दो घंटे में जो आपके सेलर्स थे वो काफ़ी एक्टिव थे, यानी कि मार्केट जो था इसे डाउन लाने की कोशिश कर रहे थे। तो मोस्टली क्या हो सकता है, देखिए अगर स्टॉक कल निफ्टी गैप ओपन होता है, जैसे पॉजिटिव ओपन होता है, तो ये स्टॉक जो है गैप ओपन होगा, जिससे कि सेलर्स जो है अपना एग्जिट होंगे और बायर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। तो वो चीज़ हमें देखनी है, जो लेवल है हमारा 1342 का, इस लेवल से ऊपर जाते ही हम इसे बाय कर लेंगे यहाँ पे जाते ही। और जो हमारा जो शॉर्ट सेलिंग का लेवल है 1313 का, ये बन रहा है 1313 का, जो इसका जो कंटिन्यूस ये इस लेवल पे आके अप जा रहा है, तो ये लेवल ब्रेक करते ही अच्छा खासा आपको शॉर्ट सेलिंग की साइड मूवमेंट दे देगा। 1342 पे हम इसे बाय करके चलेंगे। 1348 का हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस रहेगा, 1360 का हमारा सेकंड टारगेट प्राइस रहेगा, 1375 का हमारा थर्ड टारगेट प्राइस रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1327 का। अब देखिए बाय कैसे करेंगे आप, 1343 पे मोस्ट प्रोबेबली इसे बाय करेंगे, यानी कि इस लेवल के ऊपर जाते ही 1342 से ऊपर जाते ही आप इसे बाय कर लेंगे। जब तक आपका फर्स्ट टारगेट अचीव नहीं हुआ तब तक आप इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन देखिए पहले ध्यान से सुनिएगा, तब तक आप बाय कर सकते हैं अगर आपसे 42, 43, 44, 45 पे बाय नहीं हुआ, 46 पे भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसे फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाए अपना स्टॉप लॉस सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पे शिफ्ट कर दीजिएगा, चाहे आपने बाय कितने पे किया हो। ठीक है, तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1327 का। अब देखिए जब आपका जो स्टॉक है अगर गैप ओपन होके जो है रिजिस्ट कर रहा है, अप डाउन कर रहा है, पहले तो मैं लेवल अपलोड कर दूंगा जब गैप ओपन होगा तो आपके लिए क्या लेवल रहेगा, बट एग्जैक्ट इस लेवल पे या फिर इससे एक पॉइंट अप ओपन होता है तो आप उसे बाय कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा निफ्टी पॉजिटिव और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा हो तभी आप उसे बाय कीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अपना जो स्टॉप लॉस है उसे शिफ्ट करते समय ध्यान रखिएगा कि आपको इमीडिएटली शिफ्ट करना है, ऐसे नहीं कि वेट करेंगे थोड़ा सा उसके बाद शिफ्ट करेंगे, इमीडिएटली शिफ्ट करना है, हो सकता है रिवर्सल आ जाए, एकदम से मार्केट में रिवर्सल देखने को आपको मिल सकता है। शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 1313 यानी 1312 पे आप इसे शॉर्ट सेल करके चलेंगे, 1307 का फर्स्ट टारगेट प्राइस, 1295 का सेकंड टारगेट प्राइस, 1280 का थर्ड टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस रहेगा 1328 का, 1329, 1330 समथिंग पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, और यहाँ 1326 या 1325 पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे बाय साइड की तरफ। ध्यान रखिएगा वॉलिटिलिटी पे डिपेंड करता है स्टॉक क्या है, कैसी मूवमेंट दे रहा है। अगला स्टॉक है हमारा BBTC, इसे आप बाय करके चलेंगे 1345 पे। ध्यान रखिएगा जब भी आप बाय कर रहे हो तो अगर आप बिगनियर हो तो आप एवरेज करते जाओ, जैसे मान लीजिए आपने जब बाय किया फर्स्ट टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम शेयर्स बाय करो, मान लीजिए 10 शेयर बाय करो, 20 शेयर्स बाय करो, जब जब जैसे जैसे आपके प्रिडिक्शन सही होने लगे, यानी कि जैसे हमारे टारगेट की तरफ बढ़ने लगे वैसे, तो वैसे वैसे अपने जो शेयर्स हैं उसमें बढ़ाते जाओ, एड मार्जिन का ऑप्शन आता है काफ़ी में, देखिए शेयर जो है पहले 10 बाय किए थे 50 बाय कर लो, और आगे बढ़ रहा है तो 100 और बाय कर लो, ऐसे एवरेज करते जाओ और अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बनता जाएगा। अगर इसमें देखिए फायदा क्या है, अगर नीचे आता है तो कुछ ही कम शेयर्स आपके नीचे आएंगे और ऊपर जाते तो आप शेयर्स बढ़ा बढ़ा के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये चीज़ जरूर ट्राई कीजिएगा। 51 का फर्स्ट टारगेट प्राइस है, 62 का सेकंड टारगेट प्राइस है, 1375 का आपका आखिरी टारगेट प्राइस है, शॉर्ट स्टॉप लॉस है 1330 का, 1329 पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। शॉर्ट सेलिंग का लेवल है आपका 1320 यानी कि 1395 से शॉर्ट सेल करके चलेंगे, टारगेट रहेगा 1314, 1302, 1290 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1335 का, मोस्ट प्रोबेबली 1336 पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक अगर गैप ओपन हुआ है तो वेट करेंगे 11 AM तक उसकी गैप रिफिल होने का। गैप रिफिल कैसे होगा, ये जो आपकी बाइंग प्राइस है और ये जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में कहीं पे भी वो 2 से 5 मिनट का होल्ड लेगा। जब तक वो गैप अप ओपन हुआ है और अपना होल्ड कंप्लीट नहीं करता है 2 से 5 मिनट का, तब तक किसी भी लेवल पे आप बाय नहीं करेंगे जब गैप रिफिल हो रहा होगा। ऐसा हो सकता है गैप रिफिल करते समय ये इस वैल्यू पे अप एंड डाउन करे स्टॉक, उस टाइम पे इग्नोर करेंगे जब तक इन दोनों के बीच में 5 मिनट का होल्ड ना ले लिया, या फिर इसी लेवल पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे यार इस 5 मिनट का होल्ड ले ले, या फिर इस लेवल पे 5 मिनट का होल्ड ले ले, तब तक आप इसे शॉर्ट सेल या बाय नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लेवल है आपका 1320 यानी कि 1395 से शॉर्ट सेल करके चलेंगे, टारगेट रहेगा 1314, 1302, 1290 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1335 का, मोस्ट प्रोबेबली 1336 पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। स्टॉक अगर गैप ओपन हुआ है तो वेट करेंगे 11 AM तक उसकी गैप रिफिल होने का। गैप रिफिल कैसे होगा, ये जो आपकी बाइंग प्राइस है और ये जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है इसके बीच में कहीं पे भी वो 2 से 5 मिनट का होल्ड लेगा। जब तक वो गैप अप ओपन हुआ है और अपना होल्ड कंप्लीट नहीं करता है 2 से 5 मिनट का, तब तक किसी भी लेवल पे आप बाय नहीं करेंगे जब गैप रिफिल हो रहा होगा। ऐसा हो सकता है गैप रिफिल करते समय ये इस वैल्यू पे अप एंड डाउन करे स्टॉक, उस टाइम पे इग्नोर करेंगे जब तक इन दोनों के बीच में 5 मिनट का होल्ड ना ले लिया, या फिर इसी लेवल पे एग्जैक्ट इसी लेवल पे यार इस
पाँच मिनट का होल्ड ले ले या फिर इस लेवल पे पाँच मिनट का होल्ड ले ले, तब तक आप इसे शॉर्ट सेल या बाय नहीं करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी ली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।